एक बंदा है राहुल बोल के बोल रहा है, या बेसिकली कॉपिंग समवन्स कंटेंट, या वी आर आई वॉन्ट टेल यू हुज कॉन्टेंट वी आर कॉपिंग. एक इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं, उनका कॉन्टेंट हम लोग कॉपी कर रहे हैं, और मेरे को कोई टेंशन नहीं है ब्रो कॉपी मतलब इसमें करने में. ओरिजिनल कॉन्टेंट आजकल बहुत कम आता है. वी आर कॉपिंग समबडी, वी आर डूइंग इट विद आवर ओन टच. उससे इंस्पायर होकर हम लोग हमारा खुद का टच डाल रहे हैं उसमें, और होपफुली वो हमारे जो ऑडियंस है उसको वो पसंद है. ठीक है, अगर आपको लगता है कि कॉपी करना बहुत ईजी है तो प्लीज़ फील फ्री, आप उसको कॉपी करिए और वीडियो बनाइए और देखिए आपको कितने व्यूज़ आते हैं इस पर. ठीक है, जितने भी आप ओमेगल के वीडियोस वगैरह देखते हो, हर बंदा एक दूसरे के पिकअप लाइंस और वही सेम चीज़ें मारता है, बट सक्सेस सिर्फ दो तीन को मिला है, जैसे आदर्श है और मेरे को इनफैक्ट मालूम नहीं ओमेगल के लोग, तो मैंने सिर्फ आदर्श का नाम सुना है. तो सक्सेस वो एक दो लोगों को ही मिलता है, आदर्श को कॉपी बहुत लोग करते हैं बट आदर्श जैसे बन नहीं पाते. तो यू नो कॉन्टेंट क्रिएशन यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट दिस, इट इज़ अबाउट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम समबडी एल्स, कॉपिंग देम, गिविंग इट योर ओन टच एंड देन यू नो मूविंग फ्रॉम देयर. तो अभी कल उठ के अगर हम लोग टिंडर इन रियल लाइफ बनाएंगे तो तुम लोग बोल दोगे साइडमैन का कॉपी है, बट ऑब्वियसली साइडमैन के लेवल पे जाने के लिए हमको वो हमारा टच डालना पड़ेगा, हमको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना उसका मार्केटिंग अच्छे से करना पड़ेगा. तो यू नो आपको लगता है हमने कॉपी किया है, तो येस हम लोग डेफिनेटली एक दूसरे का कॉन्टेंट कॉपी करते हैं और इंस्पायर होते हैं, और यू नो यूट्यूब ऐसे ही चलता है. दैट इज़ हाउ कॉन्टेंट क्रिएशन वर्क्स.